अभिनंदन सतगुरु तेरे यात्रा आज इस स्थान पर हम पहुँचे हैं। गोधाम है जी, तेरह सौ से लगी ब्रांच श्री मौजपुर धाम भद्रवाली आश्रम। आप देख सकते हैं गुरु जी के पूज्य तस्वीरें। इस डेरे की स्थापना श्याम स्थाना जी महाराज द्वारा सन 1955 में स्थापित की गई और दूसरी गद्दीनशील परमपिता शास्त्रनाम जी महाराज द्वारा यूपी राजस्थान हरियाणा आदि जगह के डेरे बनाए गए और वर्तमान समय में हजूर महाराज संत गुरमीत राम हरिंद सिंह द्वारा ये जाप सब देश में डेरा से 16 वर्ण निरंतर मानवता अप्लाई करें किए जा रहे हैं। और इसी कड़ी में कल गुरु पूर्णिमा के दिन डॉक्टर एम एस जी द्वारा भी दो नए मानवता अप्लाई करें शुरू किए गए, जिसमें से एक था मोबाइल टॉयलेट। गुरु जी ने अपने भक्तों को निर्देश दिया कि वो जगह जगह प्रशासन से अनुमति लेकर मोबाइल टॉयलेट स्थापित करवाए। तो आप देख सकते हैं भक्तों द्वारा सुंदर रंगोली सजाई गई है। वही दूसरा कार्य हजूर महाराज जी द्वारा देशभक्ति भावना को बढ़ाने वाला था, जिसमें गुरु जी ने अपने भक्तों को संदेश दिया कि अपने घर में वो तिरंगा लगा और सम्मान लें। आप देख सकते हैं और पूजा गुरु जी के निर्देशन में लगातार निरंतर मानवता अप्लाई कर बरतते हुए और देख सकते हैं डेरे की खूब जगह जहाँ गुरु जी द्वारा सेवा सुमरण और शांति का संदेश पूरे विश्व के लिए शांति का मंदिर तेरा वास है जहाँ गुरु जी रहा करते थे। रानी की जगह पर तेरा वास और भक्त जो होते हैं वो लोग डालते हैं इससे हिंसा जो उनके श्याम स्थान जी महाराज को उनसे यहाँ पर एक आप देख सकते हैं गंगानगर से 30 किलोमीटर दूरी पर यहाँ स्टेशन स्थापित किया गया, जिसका स्टेशन का नाम है फतेहपुर स्टेशन। आप जहाँ से ही श्रीगंगानगर जिले से यहाँ पहुँच सकते हैं और सिविच चौधरी स्टेशन मानगढ़ सभी का सेंटर है। जिदा इस धाम का नाम है भद्रवाल श्री मौजपुर धाम भद्रवाल। देख सकते हैं संत हजूर महाराज गुरमीत राम सिंह जी निशा द्वारा इनकी तय बनी रहे पूरे विश्व पर और शांति का संदेश देते हुए गुरु जी निरंतर लोगों को लाल की कमाई करने का संदेश गुरु जी द्वारा और प्रभु को पाने की विधि जिसे नाम इस नाम दान को लगातार देते हुए हम आपसे अनुरोध करेंगे आप भी गुरु और शांति प्रेम का पुंजारी बनिए, उनके भक्त बनिए, नाम लीजिए और अपने जीवन को सफल कीजिए। धन्यवाद। सुरेंद्र निशा जय भारत।